चैप्टर 8 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाम है उसका खनिज पोषण, है ना, कि पादपों को किन किन खनिजों की आवश्यकता होती है अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए या वृद्धि करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पोषण क्या चीज होती है। तो पोषण जो समस्त जो जीव है वो वृद्धि एवं जीवन चक्र को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, जिन भी पदार्थों को क्या करते हैं, बाहर से प्राप्त करते हैं, यानी ऑटोमेटिकली उनके शरीर के अंदर नहीं, कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, बाहर से। तो वे सारी चीजें जिनको जो समस्त जीव है वो अपना जीवन चक्र को पूरा करने के लिए बाहर से प्राप्त करेंगे, वो सारी चीजें क्या कहलाएगी, पोषण कहलाएगी। जैसे कि सपोज हम लोग कार्बन ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, तो कार्बन क्या हो गया, पोषण हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, हम बाहर से ले रहे हैं, ठीक है ना, अनाज वगैरह से, तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, पोषण हो गया। तो वो सारी चीजें जो मेरे जीवन चक्र को पूरा करने के लिए मुझे आवश्यक है और उसको मैं बाहर से प्राप्त कर रही हूँ विभिन्न माध्यमों के द्वारा, वो भोजन हो सकता है, वो कोई भी अदर थिंग हो सकती है, तो वो सारी चीजें पोषण में आती है। आगे बस समझ में। अब आता है पोषण के आधार पर जीवों को क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है दो प्रकार से। पहला है स्वयं पोषित जीव और दूसरा आता है परपोषित जीव। पहला कौन सा है, स्वयं पोषित जीव, और दूसरा कौन सा है, परपोषित जीव। क्या होते हैं स्वयं पोषित, आपका इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो भी कार्बनिक पदार्थ चाहिए होते हैं या फिर अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बनिक कार्बन उपस्थित हो, कार्बनिक पदार्थ जैसे कि C6H12O6 ग्लूकोज है कि नहीं, कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि Na सोडियम हो गया, Cl हो गया, क्लोरीन, ये सब अकार्बनिक पदार्थ है। तो यदि स्वयं पोषित जो होते हैं वो जीव होते हैं जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की, जनरली हम बोलेंगे कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी जो पूर्ति होती है वो किसके माध्यम से करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करते हैं। तो वे जीव जो क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों की पूर्ति जो है बाहर से नहीं करते, और कार्बनिक पदार्थ वो खुद अपने शरीर में बनाते हैं, तो वो जीव जो है वो क्या कहलाते हैं, स्वयं पोषित जीव कहलाते हैं। ठीक है, जो जीव अपनी कार्बनिक एवं अन्य पदार्थों की पूर्ति के लिए किसी दूसरे सजीव पर निर्भर नहीं करते, आवश्यक कार्बनिक पदार्थों का निर्माण वो स्वयं करते हैं, क्या करते हैं, स्वयं यानी खुद करते हैं, तो वो स्वयं पोषित जीव कहलाते हैं। जैसे कि जितने भी क्लोरोफिल युक्त पादप है या जीवाणु है जो अपना भोजन क्या करते हैं, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की मदद से खुद बनाते हैं। फिर आता है पर मतलब क्या होता है बेटा, दूसरे, यानी जो भी जीव होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ क्या करेंगे, अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, मतलब खुद निर्माण नहीं करते, बाहर से प्राप्त करते हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे, परपोषी कहलाएंगे। जो जीव अपने कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर करते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल रहित कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया या अन्य जंतु हो गए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर क्लोरोफिल है क्या, नहीं ना, तो हम प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, तो हम जितनी भी चीजें चाहिए होती है वो क्या करते हैं, अन्य किसी जीव से या फिर हम किससे प्राप्त करते हैं, अन्य किसी जीव या पौधे से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब जो हरे पौधे जो होते हैं कार्बनिक पदार्थ तो प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, और अकार्बनिक पदार्थ जो होती है जैसे कि खनिज होते हैं उनको कहाँ से प्राप्त करते हैं, मृदा से प्राप्त करते हैं, ये चीज ध्यान रखना, है ना। फिर उसके बाद आता है कि विभिन्न जो है खनिज जो तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, है ना, मॉलिब्डेनम, निकल, ये सारी चीजें, ये सब क्या है, खनिज तत्व हैं जो हमको कहाँ से मिलते हैं, मृदा से मिलते हैं। तो पौधों की खनिजों पर निर्भरता, यानी जो विभिन्न क्रियाएं होती है, जैसे कि अगर सपोज मेरे को मेरे मसल्स बनाने हैं, तो मेरे को अगर मैं जिम जाती हूँ तो मुझे जो जिम ट्रेनर है वो क्या देगा, प्रोटीन देगा। तो मतलब मसल्स का निर्माण करने के लिए कौन सा आवश्यक पोषक तत्व है, प्रोटीन आवश्यक तत्व है ना। तो विभिन्न जो पदार्थ होते हैं उनपे, विभिन्न जो खनिज पदार्थ होते हैं, विभिन्न जो तत्व होते हैं उन पर पौधों की भी निर्भरता होती है, मतलब पौधों में पत्तियों का आना, फूलों का आना, है ना, उनकी साइज में वृद्धि, ये सब विभिन्न
जो खनिज पदार्थ होते हैं उनके ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है। तो सर्वप्रथम इसका प्रमाण जो दिया 1804 के अंदर सोसर नामक वैज्ञानिक ने दिया, और 1860 में दोबारा किसने दिया, बोनसैक्स के द्वारा। क्या किया गया, बताया गया कि पौधों को अपना जो जीवन चक्र है वो पूरा करने के लिए खनिज पदार्थ जो है वो चाहिए होते हैं। तो खनिज पदार्थों की आवश्यकता को बताने के लिए, है ना, तो ये जो विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स हैं वो क्या किए गए, किए गए, ठीक है, पौधों की खनिज पोषकों की ऊपर जो निर्भरता है उसको बताने के लिए तीन प्रयोग किए गए। एक है पादप भस्म विश्लेषण, ठीक है, यानी पादप के अंदर ये किसको बताता है, ये पहला प्रयोग था, और ये इस चीज को बताता है कि पादपों के अंदर अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। ये उपस्थिति को बताता है, अनिवार्यता को नहीं बताता कि वृद्धि करना है, पौधा वृद्धि कर रहा है तो ये तत्व आवश्यक है, ये नहीं बताता। ये जरूर बताता है कि कुछ जो है तत्व जो है वो पौधों के लिए आवश्यक है। दूसरा है बालू संवर्धन प्रयोग, ठीक है, और तीसरा जो है जल संवर्धन प्रयोग। बालू संवर्धन प्रयोग, जल संवर्धन प्रयोग और पादप भस्म का विश्लेषण, ये तीन प्रयोग जो है वो क्या है, किए गए किसको बताने के लिए, पौधों की खनिज पोषकों की आवश्यकताओं के अध्ययन के लिए, ठीक है। इसमें से जो है जनरली ये वाला पूछ लिया जाता है, मतलब कोई भी आपको पूछ सकते हैं, बट ये वाला इम्पोर्टेंट है, जल संवर्धन वाला, ठीक है। डायग्राम बुक में नहीं दिया हुआ, डायग्राम मैं आपको दे दूंगी, तो वो डायग्राम भी आपको क्या करना है, इसके साथ बनाना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, पादप भस्म का विश्लेषण है ना, इसको क्या किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ताजे पौधे को एक ओवन में रखा जाता है, मतलब ताजा पौधा लेंगे उसको क्या करेंगे, ओवन के अंदर रख देंगे, ठीक है, और 1 से 2 दिन तक उसको क्या करेंगे, 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 या 2 डेज तक उसको हीट करेंगे। प्लांट को तोड़ा, प्लांट को तोड़ने के बाद है ना कौन कौन से तत्व किसी पादप में उपस्थित होते हैं ये पता लगाने के लिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्लांट को तोड़ेंगे, तोड़ के जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसके अंदर हम उसको क्या करेंगे, रख देंगे, और लगभग 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्यों गर्म कर रहे हैं, ताकि पौधे के अंदर उपस्थित जितना भी पानी है वो क्या हो, भाप बनकर क्या करे, उड़ जाए, समझ में आ गया, इसलिए इसको गर्म करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, बाकी बचा भाग, पानी तो उड़ गया, अब जो बचा हुआ नमूना है ना, ये जो बचा हुआ नमूना है पादप का, इसको लिया जाएगा और इसका शुष्क भार, इसका वेट किया जाएगा, यानी शुष्क भार जो है वो मापा जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर दोनों, ये जो नमूना है इसके अंदर क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ भी होंगे प्लस इस शुष्क भार में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ दोनों की ही मात्रा का क्या होगा जो है हमें पता चलेगा, यानी वेट जो आएगा उसमें कार्बनिक पदार्थ की भी होगी और अकार्बनिक पदार्थ की भी हमको क्या होगी, मात्रा का पता चलेगा। तो शुष्क भार में कार्बनिक पदार्थ जो है कौन कौन से कार्बनिक भार का जो निर्माण है वो किससे होता है, कोशिका भित्ति के द्वारा होता है, ठीक है, कोशिका भित्ति, उसके अलावा पॉलीसेकेराइड्स, लिग्निन, लिग्निन द्रव्य, कोशिका द्रव्य के जो घटक होते हैं अलग अलग, वो घटक ये सब क्या करेंगे, कार्बनिक पदार्थ के जो वेट होता है कि पौधे के अंदर कितना कार्बनिक पदार्थ है उसके वेट को क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको अकार्बनिक पदार्थ यानी जो खनिजीय तत्व है उनका जो है वेट क्या करना है, पता करना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अब हमको अकार्बनिक जो पदार्थ है, जो खनिज तत्व है उनका वेट पता करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नमूना है इसको वापस क्या करेंगे, जलाएंगे, है
है ना, इसको जलाएंगे, ये वेट करने के बाद इसके अंदर तो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ दोनों की मात्रा का पता चल गया। अब इसको हमने जलाया कितने डिग्री के सेंटीग्रेड पर, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने इसको क्या किया, गर्म किया। तो क्या बचेगी, आप लोग देखते हो जब धूप लगाते हैं, है ना, धूप लगाने के बाद जो, या हम चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं, तो जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बानी कहते हैं ना, तो वो जो भस्म होती है उसको भस्म या बानी कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में। तो चूल्हे के अंदर जो राख बचती है ना काली काली, तो इतने गर्म पे जो है इस जो शुष्क नमूने हैं, यानी सूखे हुए नमे, पानी उड़ गया है तो शुष्क ही है ना, तो शुष्क नमूना जो है उसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जलाएंगे। गर्म करने पर कार्बनिक पदार्थ CO2, NH3 और O2 आदि गैसों के रूप में क्या हो जाएगा। अब ये जो कार्बनिक पदार्थ था ये CO2 है ना, जो है NH3 और O2 के रूप में क्या हो जाएगा, उड़ जाएंगे। ठीक है, अंत में क्या बचा पदार्थ, अंत में जो भी बचा, मतलब कार्बनिक पदार्थ तो उड़ गए और अंत में क्या बची, भस्म। ठीक है, अब इस भस्म में हम विभिन्न केमिकल की मदद से ये पता लगाएंगे, केमिकल डाल डाल कर ये पता लगाएंगे कि कौन सा खनिजीय तत्व क्या है, उपस्थित है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रयोग हो गया, कौन सा, पादप भस्म का विश्लेषण करना। तो भस्म क्या है, राख है। जब क्या होता है, ये शुष्क नमूना होता है, उसमें कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इसको अगर हम क्या करेंगे, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे, तो ये CO2, NH3 और O2 के रूप में उड़ जाएंगे। बचेगा जो राख होगी, राख या भस्म, ये भस्म जो है वो हम क्या करेंगे, इस भस्म को हम टेस्ट करके लैब के अंदर हम पता लगाएंगे कि कौन कौन से खनिज जो है वो पाए जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेरिमेंट, वो है कौन सा, बालू संवर्धन प्रयोग। तो बालू संवर्धन प्रयोग के अंदर क्या होता है बेटा, बालू संवर्धन प्रयोग सेकंड है ना। इसके अंदर क्या किया जाता है, बालू मिट्टी ली जाती है। बालू मिट्टी क्या होती है बेटा, जिसके कण बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं और उसके जो मृदा के कण होते हैं उनके अंदर क्या होता है, केप काफी मात्रा में पाया जाता है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले बालू को क्या किया जाएगा, निर्जमीकृत किया जाएगा। निर्जमीकृत करने का मतलब होता है कि जितने भी जीवाणु हैं, मिट्टी है तो मिट्टी के अंदर ऑब्वियसली बात है जीवाणु उपस्थित होंगे, तो इन जीवाणुओं को सबसे पहले क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर इस बालू मिट्टी को हम क्या करेंगे, बालू मृदा को निर्जमीकृत किया जाता है। आगे बात समझ में, ताकि सारे जीवाणु जो जितने भी बैक्टीरिया है वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो बालू मृदा है जो निर्जमीकृत हो गई, उसको पानी से क्या कर दिया जाएगा, डिस्टिल्ड वाटर जो है उससे क्या किया जाएगा, धोया जाएगा और फिर इसको क्या किया जाएगा, सुखाया जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो मिट्टी है उसमें हम लोग क्या करेंगे, दो तरीके के पौधे उगाएंगे। पहले हैं नियंत्रित पौधे, पहले कौन से हैं, नियंत्रित पौधे, और दूसरे प्रकार के होंगे अपूर्ण पौधे। नियंत्रित पौधे और अपूर्ण पौधे, दो तरीके की जो ये पूरी मृदा, पूरी जो बालू मृदा है उसके अंदर अलग अलग, मतलब ऐसे गमले ले लो, सपोज ये गमला ले लिया इसके अंदर और ये गमला ले लिया इसके अंदर, और ये यहाँ पर अलग अलग पात्र ले लो, गमला नहीं भी है तो जो भी हमारे पास पात्र है जिसमें हम पौधे उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या कर दिया हमने, इस बालू मिट्टी को क्या कर दिया, भर दिया। अब आता है नियंत्रित पौधे क्या होते हैं, इन पौधों को सभी पोषक तत्व पानी में घोल कर क्या किए जाते, दिए जाते। मतलब इसमें हम लोग जो भी पौधा उगाएंगे है ना, उसको आवश्यक जितने भी मतलब टोटल 17 जो है आवश्यक खनिज तत्व माने जाते हैं पौधों के लिए। तो इन सारे पोषक तत्वों को, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है ना, ये जितने भी तत्व हैं उन सबको पानी में घोल कर, यानी किसी की भी कमी नहीं करेंगे हम, सबको पानी को घोल, पानी में घोल कर, यहाँ तो नीचे तो बालू मिट्टी भरी हुई है
है ना, और ये पौधा हमने इसमें लगाया और इसको क्या करेंगे, पानी में घोलकर आवश्यक पोषक तत्व क्या करेंगे, दे देंगे। ठीक है, फिर आता है अपूर्ण पौधे। अपूर्ण पौधे में क्या चीज होती है, मिट्टी है, मिट्टी में हमने क्या किया, बालू मिट्टी ये रखी, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, पौधे लगाए। लेकिन अभी क्योंकि ये अपूर्ण पौधे हैं, नाम से ही है अपूर्ण, मतलब पानी के अंदर हम पोषक तत्व तो घोलेंगे, ठीक है, घोला, लेकिन सपोज सारे नहीं घोले, हो सकता है इसके अंदर से हमने क्या किया, एक पानी का घोल ऐसा रखा जिसमें हमने पोटेशियम की क्या कर दी, कमी रख दी। तो इस पौधे में हमने देखा कि पोटेशियम की कमी रखने पर इसमें क्या प्रभाव मिल रहा है, इसमें हमने किसकी कमी रखी, नाइट्रोजन की रखी। तो हम देखेंगे कि नाइट्रोजन की अगर कमी होती है पोषक तत्व में तो क्या इफेक्ट इस पौधे की ग्रोथ पे पड़ेगा, इसके जीवन चक्र पे क्या पड़ेगा। सल्फर जो है उसकी अगर हम कमी रखते हैं तो क्या प्रभाव इस पौधे पर पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा पोटेशियम, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया सल्फर। तो ये यानी जो भी विलयन हमने बनाया, पोषक तत्व बनाया, पहले वाले में हमने पोटेशियम की कमी रखी थी, डाला ही नहीं इसके अंदर, तो इस पौधे पे क्या इसकी वृद्धि कितनी होती है, कैसे प्रभावित होती है, वो हमने नोट किया, ठीक है। फिर इसमें नाइट्रोजन नहीं डाली थी, तो नाइट्रोजन जो है वो नहीं मिलती तो पौधे पे क्या प्रभाव पड़ता है, और सल्फर नहीं मिलती तो पौधे पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब क्या किया जाता है, घोल के माध्यम से जो वृद्धि पे पड़ने वाला प्रभाव है उसको ज्ञात किया जाता है। तो ये हो गया हमारा बालू संवर्धन प्रयोग, ठीक है। कई बार जो है कंडीशंस पे डिपेंड करता है, बालू की जगह कई बार जो है जो क्वार्टर्स होता है या प्लास्टिक चिप्स होती है या वर्मी कोलाइट। वर्मी कोलाइट क्या होती है बेटा, कृत्रिम मृदा होती है, कृत्रिम मृदा होती है, जिसको क्या बोला जाता है, वर्मी कोलाइट बोला जाता है। तो इस बालू मिट्टी की जगह इस वर्मी कोलाइट के अंदर भी क्या किए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, और इसको हम वर्मी कुलोपोनिक्स कहते हैं, वर्मी कुलोपोनिक्स कहते हैं। किसमें, बालू मिट्टी की जगह क्या लेना, कृत्रिम मृदा। कृत्रिम मृदा को हम क्या कह रहे हैं, वर्मी कुलाइट कह रहे हैं, ठीक है। तो वर्मी कुलाइट या कृत्रिम मृदा हल्के वेट वाली होती है, रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है, अधिक जल अवशोषण करने की क्षमता होती है और ऊष्मा रोधी होती है। तो अगर इसमें हम बालू मिट्टी की जगह हम किसमें लगा रहे हैं, इसमें वर्मी कुलाइट में या कृत्रिम मृदा में हम पौधे को उगा रहे हैं, तो ये प्रोसेस हमारा वर्मी कुलोपोनिक्स कहलाएगा। आगे बात समझ में। उसके बाद तीसरा प्रयोग कौन सा है, जल संवर्धन प्रयोग। जल संवर्धन प्रयोग, दिस इज द थर्ड प्रोसेस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, इस विधि में पौधे को उगाने के लिए बालू का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे ये गमला ले लिया हमने, ठीक है, इसके यहाँ पर हमने एक पौधा डाला, ये इस पौधे की जड़ें, ठीक है, यहाँ पर एक नली इस तरह से इसको ऊपर से कवर कर देते हैं कांच की स्लैब से, ठीक है, ये गमला, ये पादप, और इसकी जड़ जहां होती है वहां पास में इस तरीके से एक कांच की नली क्या होती है, लगा दी जाती है ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर ये इस नली को हम बोलेंगे एरिएटर, ये कांच की नली है, ठीक है। क्या होता है, इसके अंदर हम मिट्टी में नहीं उगा रहे, इसके हम अंदर हमने क्या भरा है, पोषक तत्व प्लस जल, यानी नाम है जल संवर्धन, यानी पौधे को किसमें उगाना, जल के अंदर। तो जो जल होता है उसके अंदर हम विभिन्न पोषक तत्व क्या करते हैं, डाल देते हैं, ठीक है, एक घोल बनाकर, यानी पहले इसको हमने जल से भरा, ठीक है, और इसके अंदर हमने पोषक तत्व का घोल बनाकर क्या किया है, डाला है। आ गई बात समझ में। और क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, घोल में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसको पूरा करने के लिए ये जो पौधा है उसकी जड़ के पास हमने ये कांच की नली लगा दी, ताकि यहाँ से इसमें क्या प्रवेश करे,
ऑक्सीजन प्रवेश करे, O2 क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। तो एरिएटर के द्वारा ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है और इस विधि को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स विधि कहते हैं। आगे बात समझ कि हम किसमें संवर्धन कर रहे हैं पौधे को, जल के अंदर। अब ये जो पोषक तत्व का जो हमने घोल बनाया है उसके अंदर हमने, सपोज करो इस पौधे के जो घोल है उसके अंदर हमने पोटेशियम की कमी कर दी, तो पोटेशियम की वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है, पोटेशियम की कमी की वजह से इस पौधे की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो हम क्या करेंगे, देखेंगे, पता लगाएंगे कि हाँ पोटेशियम अगर पौधे को नहीं मिलता है तो ये इफेक्ट होता है। इस विधि में सेक्स नोप तथा होगलैंड द्वारा निर्धारित किए गए पोषक घोल का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये पोषक तत्व का जो घोल है, ऐसा नहीं कि हम हमारी मर्जी से जो है बना लेते हैं। तीन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सेक्स नोब और होगलैंड, उन्होंने निर्धारित किया कि कितनी कितनी मात्रा में जो है पोषक तत्व घोल के रूप में इस पौधे को क्या किया जाए, दिए जाए। समझ में आ गया? तो ये तीन जो है वो प्रयोग है। उसके बाद आता है जो खनिज पोषक है। खनिज पोषक क्या होते हैं, तो बेटा ये आपको सीधे जो है, मैं आपको नोट्स जो दिए हैं उन नोट्स के थ्रू आपको मैं समझा देती हूँ, क्योंकि बोर्ड पे समझाने लायक नहीं है। तो देखो ये तो अभी तक मैंने जो आपको तीन प्रयोग समझाए हैं, हालांकि अभी मैंने नोट्स में आपको डायग्राम नहीं दिया है बेटा, तो मैं वो फोटो क्लिक करके आपको भेज दूंगी, है ना। थर्ड वाले के अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें चित्र भी बनाना है। ये जल संवर्धन प्रयोग आ गया, उसके बाद ये आ गया टॉपिक हमारा खनिज पोषक, ठीक है। अभी ये टॉपिक है हमारा खनिज पोषक क्या होते हैं। तो पौधों के लिए कई खनिज तत्व आवश्यक होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज पोषक कहते हैं, ठीक है। तो 105 लगभग है, उसमें से कितने आवश्यक तत्व हैं, 17 आवश्यक पोषक तत्व है, यानी पौधों के लिए ये चाहिए और चाहिए होते हैं, ठीक है। तो 17 अनिवार्य पोषक तत्वों की अनावर्तता का निर्धारण निम्न तथ्यों पे किया जाता है, मतलब इतने सारे पोषक तत्व हैं उनमें से हमने सिर्फ 17 को ही आवश्यक क्यों माना पौधों के लिए। तो कुछ कुछ चीजें हैं जिसके आधार पर हमने क्या किया, उन्हें आवश्यक तत्व घोषित किया 17 को। देखो तत्व जो पौधे की सामान्य वृद्धि और जन्म के लिए आवश्यक होता है, मतलब इसके अभाव में पौधे अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाते, यानी कोई भी पोषक तत्व जैसे कि पोटेशियम है, अगर इसकी अब्सेंस में जो है पौधा अपना जीवन चक्र का पूरा पूरा नहीं कर पाता है, तो ये क्या है, आवश्यक तत्व हो गया, है ना। तत्व की आवश्यकता विशिष्ट होनी चाहिए कि कोई अन्य तत्व उस तत्व की कमी को पूरा ना कर सके। मतलब ये पोटेशियम है तो ऐसा नहीं कि पोटेशियम की जगह हम लोग क्या करें, मैग्नीशियम दे दे तो क्या हो जाएगा, चल जाएगा काम। तो अगर हमको मतलब अगर पोटेशियम की कमी है तो वो कमी किसको कैसे पूर्ण होगी, पोटेशियम देने पे ही पूर्ण होगी। तत्व पादप की उपापचय क्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हो, यानी जितने भी कैटाबोलिक एनाबोलिक यानी जितनी भी क्रियाएं होती है पादप के शरीर में उसमें ये प्रत्यक्ष रूप से क्या हो, सम्मिलित हो। तत्व की कमी से पौधे में विशिष्ट लक्षण प्रदर्शित होते हैं, यानी इसकी कमी होने पर कुछ विशिष्ट लक्षण जरूर प्रदर्शित होने चाहिए। उस लक्षण से हम पता लगा सकते हैं कि तत्व के अंदर इस पोषक तत्व की क्या है, कमी है। फिर ये अनिवार्य पोषक तत्वों का वर्गीकरण कर रखा है, पौधों में उपस्थिति के आधार पर इन्हें दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहद को हम प्रधान या गुरु पोषक तत्व भी कहते हैं, लघु पोषक तत्व को गौण लघु या अप्रधान पोषक तत्व भी कहते हैं, ठीक है। तो वृहद पोषक तत्व किन्हें माना जाएगा, 17 तत्वों में से वृहद किन्हें माना जाएगा, वे तत्व जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम यानी 1 ग्राम जो शुष्क भार है उसके अंदर कितनी होनी चाहिए, 1 से 10 मिलीग्राम तक होनी चाहिए। अगर अगर जैसे शुष्क भार हम लेते हैं किसी भी पौधे का, क्या ले रहे हैं हम, शुष्क भार, अभी देखा था हमने शुष्क भार कैसे निकालते हैं। तो अगर हम शुष्क भार कितना ले रहे हैं, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम शुष्क भार में कोई भी पोषक तत्व जैसे कि कार्बन ही ले लो, तो कार्बन की कितनी मात्रा होनी चाहिए,
एक से 10 मिलीग्राम के बीच होनी चाहिए। यानी कार्बन अगर 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम के बीच पाया जाता है, दैट मीन्स ये क्या है, गुरु पोषक तत्व है। उदाहरण दे रखा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, पोटेशियम जो है, सल्फर, कैल्शियम, ये सारे टोटल कितने हैं, 9 तत्व हैं, ये ध्यान रखना, कितने हैं, 9। फिर उसके बाद है सूक्ष्म पोषक तत्व, गौण या लघु अप्रधान पोषक तत्व कहते हैं वे तत्व जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में कितनी होती है, 1 मिलीग्राम से भी क्या होती है, कम होती है। तो यानी 1 मिलीग्राम प्रति ग्राम जो शुष्क भार के बराबर होती है, यानी उसके उससे भी कम होती है, तो ये सूक्ष्म पोषक कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, टोटल 8। जैसे कि आयरन हो गया, बोरोन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, यहाँ पर ये नहीं है, जिंक है, मॉलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया, निकल हो गया, है ना। अब है मध्यवर्ती पोषक तत्व कहा जाता है किसको, इसको, इन दोनों को, एफई और बोरोन को, है ना, आयरन को और बोरोन को। फिर है लाभदायक या कार्यात्मक तत्व किन्हें कहते हैं, तो 17 अनिवार्य तत्वों के अतिरिक्त कुछ तत्व उच्च श्रेणी के पौधों के लिए लाभदायक होते हैं। मतलब ये जो 17 दे रखे हैं, 9 तो ये और 8 ये, इनके अलावा भी कुछ जो तत्व होते हैं पौधों के लिए फायदेमंद होते हैं, जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, है ना, तो ये जो है ना, कोबाल्ट, ये सब जो है पौधों के लिए उपयोगी होते हैं, तो इन्हें लाभदायक या कार्यात्मक तत्व कहते हैं। फिर उसके बाद है ये जो आप देख रहे हो गुरु तत्व, इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है बेटा, प्राथमिक वृहद मात्रिक और द्वितीय वृहद मात्रिक। प्राथमिक में क्या होगा, प्राथमिक वृहद मात्रक पोषक तत्व कौन है, एनपीके, है ना, और द्वितीय में कैल्शियम, मैग्नीज और सल्फर। तो ये आपको एग्जाम्पल्स क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। फिर है अनिवार्य पोषक तत्वों को पादपों में उनकी कार्य के आधार पर भी वर्गीकृत किया है 4 हिस्सों में, कौन कौन से हैं, पहले है संरचनात्मक तत्व, फिर ऊर्जा संबंधित तत्व, तीसरा एंजाइम सक्रियक और चौथा है परासरण संबंधित तत्व। तो सबसे पहले आता है संरचनात्मक तत्व, वे तत्व जो पादपों में विभिन्न जैव रसायनों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि के निर्माण के लिए आवश्यक है, वो संरचनात्मक तत्व कहलाएंगे, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फिर ऊर्जा संबंधित तत्व, वे तत्व जो पौधों की ऊर्जा से संबंधित यौगिकों का निर्माण करते हैं, जैसे कि एटीपी के निर्माण करने के लिए ये क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये फास्फोरस क्या है, इसके लिए आवश्यक है। फिर है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो अणु होता है उसके बीचों बीच जो होता है कौन सा आयन होता है, ये Mg पाया जाता है, तो इसलिए जो है मैग्नीशियम इसके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है एंजाइम सक्रियक, वे तत्व जो विभिन्न एंजाइम एंजाइमों के सक्रिय तथा निरोधक, यानी सक्रिय क्या होते हैं, एंजाइम को काम करने के लिए क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब एंजाइम तभी काम करेगा जब ये तत्व क्या होंगे, मिलेंगे, तो सक्रिय यानी एक्टिव बनाने का काम करते हैं एंजाइम को, और निरोधक यानी उसको एंजाइम की क्रियाशीलता को रोकते हैं। तो उदाहरण दे रखा है MnMg, जिंक और मॉलिब्डेनम, है ना, मैग्नीशियम, मैग्नीज और जिंक, मॉलिब्डेनम। फिर परासरण संबंधित, वे तत्व जो पादपों में कोशिकाओं के परासरण ही कार्यों को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, मतलब कोशिका झिल्ली के अंदर और बाहर आने वाले जो तत्व है उस क्रिया को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, जैसे कि KCl। फिर है अनिवार्य तत्व की उपलब्धता के आधार पर इनका वर्गीकरण, अखनिज तत्व और खनिज तत्व। तो ऐसे तत्व जिनको वायुमंडल अथवा जल से प्राप्त किया जाता है वो अखनिज तत्व होते हैं, जैसे कि CHO, N भी इसी के अंदर आता है, लेकिन N को वायुमंडल का घटक है किंतु पौधे इसको मृदा से प्राप्त करते हैं, इसलिए हम कितने मानेंगे, अखनिज तत्व 3 मानेंगे। समझ में आ गया, नाइट्रोजन को रखा गया लेकिन फिर भी पूर्ण तरीके से ये इसमें नहीं आता, वायुमंडल का कंटेंट तो है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये अखनिज तत्व है, लेकिन क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, अखनिज तत्व वे होते हैं जिनको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, वायुमंडल या जल से, लेकिन ये हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, मृदा से, ठीक है, तो हम कितना काउंट करेंगे, ओनली 3। फिर खनिज तत्व, ऐसे तत्व जिनको मृदा से प्राप्त किया जाता है, ये कितने हैं, टोटल 40, यानी इनके अलावा जितने भी हैं वो सब। पौधे कार्बन को किस रूप में लेते हैं, CO2 के रूप में, हाइड्रोजन को किस रूप में लेते हैं, H2O के रूप में लेते हैं। तो बेटा ये यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक के जो प्रयोग है वो पढ़े और पोषक तत्वों का जो वर्गीकरण है अनिवार्य पोषक तत्वों का वो देखा है, उसके बाद प्रत्येक खनिज तत्व की यूटिलिटी क्या है वो वन बाय वन हम जो है वो कल पढ़ेंगे, और कल हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, ओवर कर लेंगे।